करवाने वाला वो खुद बोल रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जानने वाला चीज है, अगर पैसा पर डॉक्टर आते हैं तो क्या आपका मेरा इलाज सही कर सकते हैं? गरीबों का इलाज सही कर सकते हैं? बोल चुके कि जांच हम लोग कर रहे हैं, बस ये ड्रामा है, ढोंग है, जांच नहीं कर रही। अगर यानी इसमें जो सरकार का भी मिली भगत है, बीजेपी का सरकार का भी मिली भगत है, इसमें जो दोषी है दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और नेक्स्ट बार जब एग्जाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्जाम हो। ये नेट परीक्षा और नीट परीक्षा दोनों में घोटाला करके आपने देश को बर्बाद कर दिया भाई। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। एनटीए नीट एग्जाम को लेकर के जो धांधली हुआ उसके बाद अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। लगातार जो कई छात्र हैं वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, अब छात्र राजद की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए राजद के जो तमाम छात्र नेता हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं हाथों में पुतला लेकर के, और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन होने वाला है। क्या कर रहे हैं? इसीलिए पुतला दहन कर रहे हैं कि जो एनटीए एजेंसी है सबसे देश की बड़ा एजेंसी है, जिस पर भरोसा सभी छात्र के था, ठीक है, बिहार और मानिए कि ये सब जो है इसमें तो पेपर डबल इंजन की सरकार है तो लीक होना ही है, लेकिन बड़ा एजेंसी जो पेपर लीक कर दी, कितने डॉक्टर का भविष्य खराब कर दी, ये जानने वाला चीज है। अगर पैसा पर डॉक्टर आते हैं तो क्या आपका मेरा इलाज सही कर सकते हैं? गरीबों का इलाज सही कर सकते हैं? इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और एनटीए का जो एग्जाम है उसको रद्द कर फिर से लिया जाए कड़ी सख्ती के। लगातार सरकार तो बोल चुकी है कि जांच हम लोग कर रहे हैं, बस ये ड्रामा है, ढोंग है, जांच नहीं कर रही। अगर जांच करना रहता तो पहले से ही वो इतना कड़ी कर जिम्मेवारी निभाती तो ये जांच का विषय नहीं आता। ये जांच तो चल रहा है, फिर भी आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जांच क्या चल रहा है, कौन जांच कर रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिले है, तो सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया तभी तो जाँच का कि 1500 स्टूडेंट का है जो आप जो फिर से परीक्षा लीजिए। मान लीजिए एक ही सेंटर पर 720 नंबर आ जा रहा है 26 स्टूडेंट का, कैसे? मान लीजिए जो लीक करवाने वाला वो खुद बोल रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी इसमें जो सरकार का भी मिली भगत है, बीजेपी का सरकार का भी मिली भगत है। 30-30 लाख रुपया जब बोल रहा है सामने वाला कि हाँ तो हमने 30 लाख रुपया लेकर है जो ये चीज़ है जो लीक करवाया है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को क्यों इस चीज़ के लिए सुनवाई लेना पड़ रहा है और उसको बोलना पड़ रहा है कि जो आप है जो इसका जाँच करवाइए और फिर से दोबारा परीक्षा लिया कि फिर से ये परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, फिर से दोबारा परीक्षा लिया जाए, क्योंकि इसी पार्टी में क्यों है जो कभी एसएससी का कभी रेलवे का स्टूडेंट है। क्या आप लोग चाहते हैं कि उतने लाख स्टूडेंट जो है वो फिर से एग्जाम दें? क्या तो आप चाहते हैं कि इतने जो हजारों स्टूडेंट जो अभी कोटा में सुसाइड कर लिए, तो फिर आप चाहते हैं कि फिर से जो जब इतना स्टूडेंट सुसाइड दोबारा कर ले? आप यही चाहते हैं क्या? मान लीजिए कि सरकार यही चाहती है क्या? अब बार बार क्यों है जो बीजेपी के सरकार में ही और है जो एनडीए के सरकार में ही पेपर लीक होता है? हाँ आप बताइए, आरजेडी की सरकार में कभी पेपर लीक हुआ है तो आप बताइए, तो है कभी आपके पास सबूत? मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सबूत है कि हम बता देंगे कि एसएससी हो रेलवे हो इससे जितना भी प्रीवियस पेपर हो सब लीक हुआ है बार बार। सीजीएल 3 का जो पेपर था वो भी तो महागठबंधन की सरकार में स्टार्टिंग कब हुआ था बताइए, कौन से डेट का हुआ है? नहीं आप सर्च करके हमको बताइए ना, हमको नहीं मालूम है कि क्यों कौन सा ईयर में हुआ था। अभी अभी तो है जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल केंद्र में किसका सरकार था? केंद्र नहीं तो बिहार का पेपर था, तो उससे पहले भी मान लीजिए एनडीए के सरकार में ही हुआ था। पिछले साल कब सरकार बनी थी बताइए, तो अभी एनडीए के सरकार में ही पेपर सबसे ज्यादा लीक हुआ है। अच्छा सबसे बड़ा नीट एग्जाम है जो इंडिया नीट एग्जाम है सबसे बड़ा, अच्छा नीट एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता है कि नहीं होता है देश का? एनटीए एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी है कि नहीं? जब मान ली कि नीट एग्जाम का सबसे बड़ा अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? और कोटा में हजारों छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं तो इसका एनडीए सरकार है इसका जिम्मेदार है? धांधली हुई बड़े पैमाने पे, जो धांधली हुई है नेक्स्ट बार से कोई धांधली ना हो, सही तरीके से एग्जाम हो और नीट का एग्जाम केंद्र सरकार रद्द करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और नीट के एग्जाम में सीबीआई जांच होनी चाहिए और नेक्स्ट बार जो एग्जाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्जाम हो, ताकि कोई जो है इसमें गड़बड़ी ना कर सके। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है, और बिहार से ही कई छात्र अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 40-50 लाख रुपये में क्वेश्चन पेपर जो है मिला है उन लोगों को। मेरा साफ मानना है कि केंद्र सरकार
और जो शिक्षा मंत्री खास करके धर्मेंद्र प्रधान है उनकी मिली भगत से एक पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और मेरा साफ मानना है कि सीबीआई जांच करके जो भी दोषी है सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग का साफ मांग है कि नीट का एग्जाम रद्द हो और बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है इसमें जो दोषी है दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नेक्स्ट बार जब एग्जाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्जाम हो और जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक छात्राजन आंदोलन करते रहेंगे। आज हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में भाजपा सरकार के खिलाफ में आक्रोश मार्च किए हैं और नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जो है पुतला दहन करने का काम केंद्र सरकार की लापरवाही है और नेक्स्ट गगन कुमार प्रदेश अध्यक्ष छात्राजत बिहार एनटीए के साथ सरकार को मिली भगत है इसमें एनटीए के साथ जो है धर्मेंद्र प्रधान की मिली भगत है और एनटीए जैसी भ्रष्ट एजेंसी को कभी भी जो है कोई एग्जाम पेपर नहीं देना चाहिए कोई एग्जाम इनके द्वारा नहीं होना चाहिए ये सबसे बड़ी भ्रष्ट एजेंसी है देश का। साथ साथ एनटीए का भी कर रहे हैं ये भी दिखाए मैम। मेडिकल के साइंस के स्टूडेंट्स का मत के साथ भेदभाव का मतलब है देश के साथ भेदभाव। 720 में 720 नंबर 47 लोगों का ये कहाँ से संभव है भाई। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं हम लोग भी अच्छा पढ़ते हैं मेरिटोरियस हैं हम खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई तो ये लोग 720 में 720 कहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात है ग्रेस मार्किंग करके इनको टॉप कराया जाता है। ग्रेस मार्किंग वाले का हिम्मत है तो फिर से एग्जाम दे करके टॉप करो। जितना भी एनटीए एग्जाम लिया है इसके पहले भी नेट का परीक्षा प्रोफेसर वाली जो परीक्षा होती है कि जांच चल रही है फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर। सरकार कौन है मोदी और प्रधान जी का गठजोड़ 2021 के बाद जो बता दीजिए कोई भी परीक्षा जो बिना घोटाले पेपर लीक के हुआ है। तेजस्वी जी का गवर्नमेंट था बीपीएससी के थ्रू भर्ती हुआ एक भी घोटाला दिखा नहीं दिखा। तो इन लोग यार प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए यार क्या देश तुम विकास करोगे। नेता का मतलब क्या होता है यही जो मेरिट में नहीं है उनको आगे बढ़ा करके देश को बर्बाद कर देना। ये नेट परीक्षा और नीट परीक्षा दोनों में घोटाला करके आपने देश को बर्बाद कर दिया है भाई। मेडिकल में जिसको अच्छा मेरिट नहीं रहेगा वो क्या आगे जा करके प्रैक्टिस कर पाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग के साथ साथ एनटीए जो है जो प्राइवेट एजेंसी है और ये भी देखा गया है कि भाजपा के लोगों का इनके भतीजा लोगों का इनके भाई लोगों का इनके जानने वाले लोगों का घोटाले के अंदर आगे बूस्ट किया गया है इनका। और जो मेरिट वाले लड़के थे पटना में पढ़ते हैं पूरे बिहार में आग लग रहा है छात्र लोग सड़क पर उतर गए आप लोग इतनी संख्या में क्या हुआ क्या सड़क पर उतर गए क्या उद्देश्य रहा आप लोग। देखिए नीट का जो धांधली हुआ है हम लोग का सफा मांगे की रद्द होनी चाहिए। अब बताइए जो डॉक्टर 32 लाख 40 लाख रुपया घूस देगा जो डॉक्टर बनेगा वो क्या इलाज करेगा जी। वो लोग तो किडनी बेचने का काम करेगा। घूस दिया हुआ है 32 लाख 40 लाख रुपया दे देकर जो है एक ही जो सेंटर है वहीं से जो 20 से 30 बच्चे जो है डायरेक्ट ये जो है पास हो जाते हैं। अबे जो 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 लोग उसमें संलिप्त था वो पकड़ाया ना शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बताइए जरा कि जो शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं वो साफ यहाँ पर जो धांधली करने जो था उस हम लोग का मांग है कि सबसे पहले जो ये धांधली रद्द होनी चाहिए नीट का एग्जाम्स और दूसरी बार एग्जाम हो सही तरीके से और उसके बाद शिक्षा मंत्री पला नंबर तो इस्तीफा देना चाहिए सब चीज़ को। तो सुना आपने छात्र राजद की तरफ से आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पुतला दहन किया गया और साथ ही मांग की गई कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे क्योंकि जिस तरीके से धांधली हुई उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान आता है कि पेपर जो लीक है वो कहीं से नहीं हुआ है जांच चल रही है और जांच के बाद आदेश दिया जाएगा। इसको लेकर के आज छात्र राजद ने उनके इस्तीफे की मांग की और कहा है कि परीक्षा जो है वो रद्द होना चाहिए अन्यथा वो लोग अभी सड़कों पर उतरे हैं और आगे बहुत आगे जा करके और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।